नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। जमकर बरसे बदरा, चारों ओर पानी पानी, नगर तहत जिले के अनेक स्थानों पर स्थिति बिगड़ी। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर उठे प्रश्न। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारी बारिश के चलते चारों ओर पानी पानी हो गया। दमोह नगर की स्थिति भी अति दयनीय देखी गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह है नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी का वार्ड। नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए एलएनबी टीवी की टीम ने नगर का भ्रमण किया। यह नजारा आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह है सिविल वार्ड नंबर 3 का किराना बाजार। यह स्थिति यहाँ कोई पहली बार दिखलाई नहीं दे रही है, अपितु वर्षों से दीवान जी की तलैया का पानी सड़कों पर निकल आता है। वर्षों से बनी इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, शायद इस दिशा में किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस नेता दीपक मिश्रा ने एलएनबी टीवी को बताया, यहाँ खड़े हुए हैं, शहर के अंदर काफी जगह पानी का भराव है, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो विकास के नाम पर झूठ बोलकर जो देश में राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये धरातल पर आप आके खुद देख रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दमोह नगर पालिका कितनी निकम्मी है, कि जो यहाँ आप पीछे देख रहे हैं कि दुकानों में पानी भर रहा है, और पूरी दमोह शहर में आप बस स्टैंड, घंटाघर, फुटेरा वार्ड और चारों तरफ दमोह में जाकर देख लीजिए, हर गली हर मोहल्ले में आपको पानी भरा मिल रहा है, घरों में पानी घुस रहा है, चारों तरफ दमोह शहर में पानी है। और ये लोग विकास के नाम पर पैसा लाकर भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, ये पूरा पैसा खा रहे हैं, और विकास के नाम पर टोटल दमोह शहर में विकास का पैसा खा रहे हैं। और आप धरातल पर आकर देखिए, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। समस्या को लेकर क्या कहते हैं व्यापारी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुबनाम अब सलाम पठान है, इस वार्ड में दुकान है हम लोग। आज की स्थिति जो दिखाई दे रही है, इसके लिए दोषी किसे मानते हैं? इसको पूर्णतः दोषी नगर पालिका है। इधर जो हमें आज, ये पहला मौका नहीं है, इधर कई बार ऐसा पानी, ऐसी स्थिति आ चुकी है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो दीवान जी की तलैया से जो नाला आया है, कुछ कथित एवं प्रभावशाली लोगों ने अपने जो निर्माण किए हैं वहाँ से नाले के ऊपर अपना दुकानों का निर्माण कर लिया है, नाले को बिल्कुल चोक करके ये स्थिति बनी है। यदि इस नाले को सही ढंग से देखा जाए, जो नाला वहाँ से आया है उसी स्थिति में इस नाले को आगे तक बढ़ाया जाए, तो इस स्थिति भी कभी नहीं आएगी। आइए अब आपको भ्रमण कराते हैं सिविल वार्ड नंबर 3 के टाउन हॉल यानी गोल्ड बाजार का। अब स्वयं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा यहाँ का दिखलाई दे रहा है। यह दृश्य जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है नगर के मध्य का गोल बाजार टाउन हॉल। आइए अब आपको नजारा दिखाते हैं टाउन हॉल का। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं दमोह नगर का टाउन हॉल, जहां नगर पालिका के अनेक कार्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। सारा परिसर उसी टाउन हॉल गोल बाजार का है। आइए अब चलते हैं नगर का हृदय स्थल घंटाघर। एलएनबी टीवी की टीम लगातार नगर में भ्रमण करती रही और नगर की स्थिति आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रही। दृश्य जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर वह है दमोह नगर का बस स्टैंड। एलएनबी टीवी की टीम सरस्वती शिशु मंदिर के सामने पहुंची। हाँ, संपूर्ण परिसर में पानी पानी दिखलाई दे रहा था।
दृश्य जो आप देख रहे हैं वह है माननीय न्यायाधीशों के बंगले। किल्लई नाका भारतीय स्टेट बैंक के समीप एलएनवी टीवी की जब टीम जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के समीप पहुंची तो नजारा कुछ अलग ही था। चिकित्सालय परिसर में पानी था तो बिल्डिंग के अंदर भी पानी था। चिकित्सक और स्टाफ बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। काफी पानी भरा हुआ था। बहुत ज्यादा है। आप नहीं अभी कहाँ गए, इंतजार में खड़े हैं पानी कम हो जाए। बतलाया जाता है कि भारी मात्रा में दवाइयां और दस्तावेज खराब हो गए हैं। आयुर्वेद चिकित्सालय में आपके काफी पानी भरा हुआ। जी जी एक्चुअली में क्या है कि पानी अतिक्रमण चारों तरफ से हो गया है, जिसके कारण नालियों का जो नालियों में पानी जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है सुचारू रूप से, तो वो जाली से गेट से पानी अपने चिकित्सालय के अंदर आ रहा है। इस कारण से कमरों में भी भर गया है पानी, कुछ जहरीले सर्प वगैरह भी अंदर चले गए हैं। तो अतिक्रमण की आवेदन मैंने दिया था उच्च अधिकारी को, मैंने तो उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। तो कितना नुकसान हुआ होगा? 20% दवाइयों का नुकसान हुआ। 20-25 जी, दवाई कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसमें खराब पानी खड़ा रहा जी। तो आपके जो दस्तावेज है और दवाइयों को काफी और नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल खराब हो गए हमारे यहाँ। और एक्चुअली क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो पेशेंट है वो नहीं आ पा रहा है, जिसके लिए अपन लोग इंतजार करते हैं कि पेशेंट आए उसके इलाज के लिए बैठे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। मुरैकवार स्टोर इंचार्ज मैन, और मेरे यहाँ दवाइयों का जो स्टॉक है उसमें बहुत सी जगह पानी भर गया है और पूरी आधी से ज़्यादा दवाइयाँ नष्ट हो चुकी हैं, और कुछ रिकॉर्ड भी हमारा पानी में क्षतिग्रस्त हो गया है सर। और उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी अभी पानी निकल नहीं रहा, चौतरफी से पानी भरा है। नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा ने एलएनवी टीवी से चर्चा के दौरान बतलाया। और आपको काफी अनुभव है, ये आज देख रहे हैं पूरे शहर में पानी पानी है, क्या मानते हैं इसको, किसको दोषी मानते हो, कारण क्या है? इसमें दोष तो नगर पालिका का है, और मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि जब मौसम विभाग 4-5 दिन से टीवी पे ये सूचना दे रहा है कि भारी वर्षा की चेतावनी है, तो जो पानी के मुख्य निकास हैं जो शहर के बाहर पानी होता है, और जहां जहां अतिक्रमण चिन्हित है, जहां अतिक्रमण के कारण दिक्कत आती है, वहां नगर पालिका को सफाई व्यवस्था ऐसी करना चाहिए कि पानी नहीं रुके। आज सुबह 6 बजे से हम चैनपुरा, जटाशंकर, बिड़ी कॉलोनी, शोभा नगर और सिविल वार्ड 4, अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ जो अपना स्टेट बैंक के पीछे जो कॉलोनी रहती है, वहाँ पूरे जगह लोगों के घरों में पानी भरा है, लोगों के टीवी, फ्रिज और जो खाने का सामान है उसके अंदर। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं मेरी नज़र पड़ी कि हमारे चैनल के लोग इसका अस्पताल का कवरेज ले रहे हैं, तो इसमें भी हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर पानी है। आगे आप देख रहे हैं जो मुख्य मार्ग सेंट्रल स्कूल को जाता है और ये मुकेश नायक कॉलोनी की तरफ जाता है, ये पूरा मार्ग डूबा है, और ऐसे में संभावना रहती है कि बच्चों की ज़्यादा समस्या रहती है, कोई छोटे बच्चे साइकिल से खेलते समय गिर जाएं। तो नगर पालिका को तत्काल प्रभाव से जो व्यवस्था में कह रहा हूँ, जैसा आपने प्रश्न किया कि JCB बुला के जहाँ जहाँ अतिक्रमण है या पानी नहीं निकल पा रहा, तुरंत उसको तोड़ना चाहिए, वो अतिक्रमण से पानी को निकलने का रास्ता बनाए, और पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, जहाँ जहाँ रेत इकट्ठी हो गई या पन्नी रुक गई है, उनको तुरंत साफ करें, और इसमें इमरजेंसी के रूप में उनको काम करना पड़ेगा, यानी कि वो इसको अपने जो कर्मचारी उनसे व्यवस्था ना कराएं, 150 कर्मचारी एक्स्ट्रा लगा के वो तुरंत जहाँ जहाँ पानी छिड़ रहा है, रुक रहा है, वो पानी का रास्ता क्लियर कराएं ताकि शहर के बाहर पानी हो जाए। एनवी टीवी की टीम पहुंची बालाकोट रोड RTO ऑफिस के सामने, वहाँ की स्थिति आप स्वयं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है। जी हाँ। और आप यहाँ जूते भी है आपकी? जी हाँ। क्या कारण है पानी भराव का? यहाँ पे नाला की खुदाई तरीके से, गहराई और चौड़ाई तरीके से नहीं है जितनी होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल संकीर्ण हो गया है नाला, तो पानी निकल नहीं पा रहा है। कब से पानी भरा हुआ है? गर्मियाँ 4 बजे से पानी भरा हुआ। 4 बजे से काफी पानी था, बहुत ज़्यादा। हालांकि प्रशासनिक और नगर पालिका का अमला लगातार जगह जगह अपने कार्य में व्यस्त देखा गया।
स्वयं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार पानी में अधिकांश लोगों के मकान डूब रहे हैं। देख सकते हैं छात्रावास का किस प्रकार का नजारा है, चारों ओर यहाँ भी पानी पानी दिखलाई दे रहा है। अनमोल है ये अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास में आप रहते हैं, आज काफी पानी भरा हुआ है, किस प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ा? पानी जैसा भर गया है, हॉस्टल में भी कमरा में रूम में भी भर गया है, मतलब एक फुट मतलब हाफ फुट मतलब आधे फुट भर गया है, आधे फुट पानी भरा हुआ है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 50 सीट है, तो 85 बच्चे यहाँ रहते हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? बाकी बच्चे अभी आए नहीं, मतलब कितने बच्चे अभी रह रहे हैं? अभी 10-15 बच्चे रह रहे हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनवी टीवी की टीम पहुंची जबलपुर नाका ताम्रकार पेट्रोल पंप के सामने, यहाँ का नजारा आप स्वयं देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आइए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा रेलवे स्टेशन दमोह का है। भू अभिलेख शाखा के अनुसार दैनिक वर्षा के तहत बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 108.5 मिलीमीटर अर्थात 4.3 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ताजातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।